हेलो दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक कुन्नूर। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे गूगल जैम बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, हमें पता है गूगल जैम बोर्ड का इस्तेमाल हम टीचिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम कोलैबोरेटिव या इंटरैक्टिव टीचिंग करना चाहते हैं, तब हम गूगल जैम बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं गूगल जैम बोर्ड को कैसे यूज करें। गूगल जैमबोर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। उसके बाद ओपन करें न्यू टैब। जैसे ही हम न्यू टैब ओपन करेंगे, राइट टॉप कॉर्नर में जो दिया गया है गूगल एप्स, उस पर क्लिक करें, स्क्रॉल करें और यहां पर दिखाई देगा गूगल जैमबोर्ड। क्लिक करें गूगल जैमबोर्ड। ये एक तरीका है गूगल जैमबोर्ड ओपन करने का। दूसरा तरीका यह है कि न्यू टैब ओपन करें, डायरेक्टली हम उसका URL टाइप कर सकते हैं, वो है jamboard.google। इस तरीके से भी हम Google Jamboard ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम Google Jamboard ओपन करते हैं, ये दिखाई देगा उसका होम पेज। मैंने ऑलरेडी कुछ जैम यहाँ पर क्रिएट किए। होम पेज या डैशबोर्ड में राइट बॉटम कॉर्नर पे दिया गया है प्लस सिंबल, इससे हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू जैम। क्लिक करें प्लस सिंबल। जैसे ही हम क्लिक करते हैं प्लस सिंबल, न्यू जैम क्रिएट हो गया। चलिए हम देखते हैं इसकी फंक्शनैलिटीज। इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। बेहतर यह है कि हम सेलेक्ट करें फिट, दैट इज 47%, और बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका हम कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, या हम उसे नन भी रख सकते हैं। जब भी हम यहाँ पर कोई कंटेंट लिखेंगे, पूरे फ्रेम को इरेज करने के लिए क्लियर फ्रेम ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम देखते हैं पेन का इस्तेमाल कैसे करें। पहला वाला ऑप्शन जो लेफ्ट साइड दिया गया है वो है पेन। पेन है, मार्कर है, हाइलाइटर है और ब्रश है। यहाँ पर हम कोई रंग या कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कलर चेंज हो गया, या कोई पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह हम मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह हम ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है इरेजर, जो लिखा हुआ कंटेंट है उसे इरेज करने के लिए हम ये इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट का इस्तेमाल कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं स्टिकी नोट कैसे यूज करते हैं। स्टिकी नोट को यूज करने के लिए शॉर्टकट की भी इस्तेमाल की जा सकती है, कंट्रोल शिफ्ट पी, या डायरेक्ट क्लिक करें स्टिकी नोट। जैसे ही हम क्लिक करेंगे स्टिकी नोट, यहाँ पे हम कंटेंट लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दिए हुए हैं, कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं नन। मैं सेलेक्ट करूंगा ग्रीन और क्लिक करें सेव। इसका साइज बढ़ाने और घटाने के लिए जो एजेस पर डॉट दिए गए हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम कॉपी भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए क्लिक करें डुप्लीकेट, डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। चलिए हम देखते हैं इमेज इंपोर्ट कैसे करें। इमेज इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, वो है एड इमेज। क्लिक करें एड इमेज। इमेज हम चार जगह से एड कर सकते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन है सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस। हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल से फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, यह पहला वाला ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन, हम गूगल सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन, हम गूगल ड्राइव से ले सकते हैं या अपने ड्राइव, शेयर ड्राइव, इसी तरह फोटो को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम अपने कंप्यूटर से फाइल इंपोर्ट कैसे करें। क्लिक करें सेलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इंडियन मैप, यह है हमारा प्यारा भारत। इस इमेज को मूव करने के लिए हम सेलेक्ट ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्टली इस पर क्लिक कर इसे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ शेप्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रोम्बस, एरो एक्सेट्रा। चलिए अब हम देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करें। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए क्लिक करें टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे हमें अपना कंटेंट टाइप करना होगा। मैं टाइप कर रहा हूँ इंडिया। इस टाइप टेक्स्ट का हम साइज चेंज कर सकते हैं,
कलर चेंज कर सकते हैं और अलाइनमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं। और आखिरी वाला ऑप्शन होगा लेजर। लेजर को हम जब भी हम कोई सब्जेक्ट टीच करते हैं या पढ़ाते हैं तो कोई चीज हमें दिखाना हो तो लेजर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इंडियन मैप में राजस्थान कहाँ है, मैं लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए बताऊंगा कि ये राजस्थान यहाँ है। इसी तरह कर्नाटक यहाँ है। इस तरह हम लेजर बीम का इस्तेमाल टीचिंग या कोई कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पूरा फ्रेम में जो कंटेंट है उसे हम क्लियर करें तो ये क्लियर फ्रेम का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं, ये क्लियर हो गया। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि और एक जैम ऐड करें या जैम बोर्ड ऐड करें तो ऐड करने के लिए ये ऊपर वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, वो है क्रिएट फ्रेम। क्लिक करें फ्रेम, यहाँ पे दूसरा वाला जो फ्रेम है वो क्रिएट हो गया। पहले वाले फ्रेम या प्रीवियस फ्रेम को जाने के लिए क्लिक करें प्रीवियस बटन। और अगर हम चाहते हैं कि इसको हम रीनेम करें तो रीनेम का ऑप्शन यूज किया जाता है। चलो हम रीनेम करते हैं, इसका नाम देता हूं कि माय चैनल। क्लिक करें ओके। इसी तरह इस फ्रेम को हम पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें डाउनलोड एज ए पीडीएफ। ये पीडीएफ में डाउनलोड हो गया, ये देख सकते हैं यह पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इस फ्रेम को हम इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लिक करें सेव एज इमेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फ्रेम था वो इमेज में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि ये जैम बोर्ड हम अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें तो जब हमें शेयर ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। क्लिक करें शेयर। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं। हम डायरेक्टली लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हैं या हम स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी एंटर कर रहा हूँ जो जीमेल आईडी है। जैसे ही हम स्टूडेंट का ईमेल एंटर करेंगे हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक है एडिटर दूसरा है वीवर। अगर स्टूडेंट सिर्फ देखना चाहता है तो हमें सेलेक्ट करना होगा वीवर ऑप्शन। अगर स्टूडेंट हमारे जैम बोर्ड में कोई बदलाव करना चाहता है या एडिट करना चाहता है तो हम सेलेक्ट करें एडिटर ऑप्शन और क्लिक करें सेंड। जैसे ही हम सेंड पर क्लिक करेंगे उसे जैम बोर्ड का इनविटेशन चला जाएगा। चलिए हम दूसरा ब्राउजर का इस्तेमाल करते हुए जैम बोर्ड को लॉग इन करते हैं एज ए स्टूडेंट। मैंने दूसरा ब्राउजर ओपन किया है और मैं देख रहा हूं कि मुझे यहां पर एक इनविटेशन भेजा गया है अपने टीचर के द्वारा जैम बोर्ड के लिए। क्लिक करें इनविटेशन और क्लिक करें ओपन इन जैम बोर्ड। यहां पे हम देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड वाला जैम बोर्ड है वो है टीचर का, जो राइट साइड वाला जैम बोर्ड है वो है स्टूडेंट का। जैसे ही टीचर कोई अपने जैम बोर्ड में बदलाव करेगा तो वह बदलाव जो है स्टूडेंट के जैम बोर्ड में दिखाई देगा। चलिए हम कुछ बदलाव करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि मैं मैप मूव कर रहा हूं या इसमें मैं सर्कल को डिलीट करता हूं तो वो सर्कल यहां पे डिलीट हो गया। चलिए एज ए टीचर हम इसका कलर चेंज करते हैं। हम देख सकते हैं स्टूडेंट के जैम बोर्ड में वो कलर चेंज हो गया। चलिए हम एज ए स्टूडेंट कुछ जैम बोर्ड में बदलाव करते हैं। हम इस मैप को थोड़ा बड़ा करते हैं और इस मैप का अलाइनमेंट या पोजीशन चेंज करेंगे और इसी तरह हम ये टाइप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट में बदलाव करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे माय इंडिया। स्टूडेंट अपने जैम बोर्ड में कुछ चेंजेस कर रहा है, वो जैम बोर्ड के चेंजेस जो है टीचर के जैम बोर्ड में दिखाई देते हैं। दोस्तों इस तरह हम जैम बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए एक इंटरैक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।